नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ आसिया। आज महाअष्टमी है और भक्तों का उत्साह चरम पर है। हालांकि थोड़ी सी मौसम ने खलल डालने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसके बावजूद भी भक्तों का उत्साह कहीं खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बारिश का अनुमान लगाया है। 2 से 3 दिन तक बारिश होने की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग की इस चेतावनी के बावजूद भक्तों का उत्साह कम होता नहीं दिख रहा है। अलग अलग जगहों की आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, अलग अलग पंडाल में किस तरह लोगों का उत्साह है इस बारिश के बावजूद भी कई जगहों पर। इस वक्त चलेंगे धनबाद, हमारे सहयोगी अरुण बर्णवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, धनबाद में मौसम का मिजाज क्या है सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे, और वहां पर भक्तों का उत्साह कैसा दिख रहा है? देखिए आसिया, आसमान में काले बादल तो यहाँ भी छाए हुए हैं और बिजली भी हल्की हल्की चमक रही है। जैसा राज्य के दूसरे प्रमुख शहर रांची और जमशेदपुर में बारिश की सूचना है, धनबाद जिले के भी कुछ एक इलाके जो सुदूर स्टार्ट जहाँ इलाका हो रहा है पुटकी वाले इलाके, वहाँ भी बारिश की सूचना है। लेकिन बावजूद इसके, इस मौसम की चेतावनी दो दिनों में, अगले दो दिनों तक आपने जैसा कहा कि दो दिनों तक बारिश की संभावना है, उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये है झारखंड मैदान, धनबाद का झारखंड मैदान, सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा समिति जो पिछले 20 सालों से लगातार यहाँ पे नए और अच्छे पंडाल लोगों को आकर्षित करने वाले पंडाल बनाते रही है। और 2007 से, जैसा कि जानकारी है, 2007 से हमेशा किसी न किसी सेगमेंट में इसे सर्वश्रेष्ठ पंडाल या प्रतिमा या सज्जा का पुरस्कार मिलता रहा है। तो मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा पहले थोड़ा पंडाल का नज़ारा हमारे दर्शकों को करा दें, जो कितना भव्य तरीके से पंडाल का निर्माण कराया गया है। एक चीज़ और आसिया, इसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया है, प्रधानमंत्री जो प्लास्टिक मुक्त भारत की जो सोच रखे हैं लोगों के सामने, तो यहाँ पे इस पूजा पंडाल में एक धागा भी प्लास्टिक का उपयोग में नहीं आया है। पूरा पंडाल जूट और चाट से तैयार कराया गया है बंगाल के कारीगरों द्वारा, और इतनी भव्यता और दिखने में इतनी अच्छी लग रही है जो लोग बरबस खींचे चले आ रहे हैं। तो आप देख सक रही होंगी जो ये जूट का है पूरा पंडाल, और पूरी तरह से जो भी काम किए गए हैं वो हाथ से कारीगरों द्वारा, बंगाल के कारीगरों द्वारा किया गया है। लगभग 10 लाख का बजट है इस पंडाल का, जो बंगाल के कारीगरों ने अनुपम तरीके से इसको सवारा है, लोगों के देखने के लायक बनाया है। तो फिलहाल तो चलेंगे यहाँ पे जो पूजा कमेटी के कुछ लोग हैं उनसे ही जानते हैं जो क्या कुछ इसमें और कुछ खासियत है इस पंडाल की। क्या कुछ दिलीप जी, क्या कुछ खासियत है आपके इस पंडाल की? इसमें हम लोगों का जूट का और सारा धागे का ये किया गया है, यूज किया गया है, और हम लोग इको फ्रेंडली किए हुए हैं कि इससे कोई प्रदूषण नहीं बाद में फैले। और हमारे पंडाल को बहुत भव्य ढंग से, हम लोग का 40 लेबर 1-1.5 महीने से लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि भव्य से भव्य बनाया जाए और खूब सुंदर से बनाया जाए। श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे आपके साथ पूरे इसे, क्या कुछ सुरक्षा के भी क्या कुछ इंतजाम है विकास, आप बताएं? पुख्ता इंतजाम किए हैं हम लोग, हमारे वॉलंटियर कम से कम 150 है, उसके अलावे हमारे 8 CC कैमरा लगे हुए हैं, फायर ब्रिगेड का पूरा व्यवस्था किया हुआ है, हमारे हर जगह फायर ब्रिगेड का वो लगाए हुए हैं, और हर जगह बैरिकेड की व्यवस्था किया गया हुआ, मतलब पुख्ता इंतजाम हमारा त्रिपर इस कमेटी के द्वारा किया गया है। देखिए निश्चित रूप से सुरक्षा का जो मानक है वो जिला प्रशासन का ही गाइडलाइन है, जो अगर किसी पंडाल में इस तरह की स्थिति नहीं देखी जाएगी तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कल इसका रांची में नमूना देखने को भी मिला था। मैं सहयोगी बंटी से चाहूंगा जो कुछ श्रद्धालुओं तक भी चलें और जो मंदिर पंडाल का दर्शन करके आ रहे हैं उनसे सीधे जुड़ के बात करते हैं, जो क्या कुछ उन्होंने, आप पंडाल में आपने दर्शन कर लिया? हाँ कर लिया। आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर? सजावट अच्छी लगी और ये बहुत अच्छा से बनाया गया है, और क्या। आप लगातार यहाँ आ रही हैं या पहली बार आई? हर साल आती है। इस बार क्या कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पे? इस बार सूता से बना, वो सुतरी जो होता है उससे बना है पूरा पंडाल। हाँ, जूट के धागे से पूरा बना है, और क्या। क्या कुछ मांगा आपने माँ से? क्या मांगा, हमेशा खुश रहने दे, और क्या।
इससे खुशहाली रहिए। निश्चित रूप से देखिए कुछ श्रद्धालुओं की आस्था है यहाँ पे। चलते हैं कुछ और लोग जो दर्शन करके लौट रहे हैं उनसे जानते हैं। चलिए अरुण लौटेंगे, अरुण आप कुछ लोगों के पास पहुंचे। रांची से भी हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं, स्टेशन रोड पंडाल में अजय लाल हैं, उनके पास चलते हैं कि किस तरह से आकर्षक पंडाल और जो डांस मूव दिखाए गए हैं भरतनाट्यम के अलग अलग स्टेप्स दिखाए गए हैं उसे भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा। अरुण के पास चलते हैं, धनबाद से जुड़े हुए अरुण हमारे साथ। अरुण, और क्या खासियत इस पंडाल में नजर आई आपको? अंदर माँ की प्रतिमा का कैसा स्वरूप नजर आ रहा है? लोग की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही, कैसा पंडाल उन्हें लग रहा है? असिया देखिए, निश्चित रूप से जो यहाँ जो माँ की जो प्रतिमा बनाई गई है वो पूरी तरह से बंगाली कंसेप्ट पे दिया गया है। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी बंटी से थोड़ा सा और करीब जाके इसका दर्शन कराया जाए, क्योंकि ये अंदर का जो ये जो पंडाल के अंदर का ये जो नजारा है पूरी तरह से कई तरह से जूट के ही जो झांकियां बनाया गया है यहाँ के कारीगरों द्वारा, बंगाल के कारीगरों द्वारा सारे कुछ जूट से बने हैं। आसिया जैसे कि आप देख रही होंगी ये सारे जूट से बने हुए हैं और अलग अलग वेशभूषाओं में भी है, जो पालकी का कहीं आपको अवलोकन मिल रहा है, कहीं देखने को कहीं कुछ मिलेगा। आप ये पंडाल का भी नज़ारा आप देख सकती हैं जो सामने, कितने भव्य तरीके से पंडाल है। माँ की जो प्रतिमा है पूरी तरह से बंगाली कंसेप्ट पे है, पूरी बहुत आकर्षक ढंग से सजा हुआ है। ये भी आप देख रहे होंगे, हम आप अपने दर्शकों को यहाँ की जो भव्यता है वो दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी शाम का समय है और भीड़ थोड़ी अधिक है तो थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन बावजूद इसके लोग बहुत धैर्य के साथ इस न सिर्फ इस पंडाल का बल्कि इस प्रतिमा का भी अवलोकन कर रहे हैं। तो कुछ श्रद्धालु और हैं यहाँ, उनसे भी जुड़ेंगे और चाहेंगे उनसे जो क्या कुछ उन्होंने इस बार माँ से मांगा है। आप पहली बार यहाँ आई हैं? नहीं, हर साल हम लोग यहाँ पे हर साल आप आते हैं, उधर जाइए आप, हर साल आती हैं। क्या कुछ आपको अच्छा लगा इस बार यहाँ का पंडाल? यहाँ पे इस बार धूस, ये जो है धूस बोला जाता है शायद इनको, बहुत अच्छे से बनाया गया, बहुत अच्छे से इन सबको डिज़ाइन किया गया है। देखिए तो लगता है कि महीनों से इनका, कम से कम एक डेढ़ महीने पहले से इसका तैयारी चलता होगा इनके यहाँ से। क्या कुछ माँ से मांगा आपने? वैसे तो मैं मैरिड लेडी हूँ तो सबसे पहले तो अपने घर की सुख शांति मांगूंगी, हस्बैंड की, देवर की, अपने घर मायके की बढ़ोतरी मांगूंगी कि भगवान उन्हें दे बढ़ोतरी, दे सुख शांति, दे घर परिवार पहले है, उसके बाद समाज और उसके बाद। निश्चित रूप से देखिए कुछ और श्रद्धालु हैं, चलते हैं थोड़ी और नजदीक और बात करते हैं उनसे भी, जो क्या कुछ माँ के माँ से उन्होंने मांगा है। जी मैडम, आप कहाँ से आई हैं और कितने बार आप? तो ना कतरा से आई हुई हूँ जी, पर बहुत अच्छा लग रहा देख के ये पंडाल। क्या कुछ यहाँ पे अच्छा लगा आप? सब चीज अच्छा लगा, कुछ भी बुरा नहीं लगा, बहुत ही सुंदर लगा। सोच रहे इतने दूर से आए, सब सफल हो गया। सफल हो गया है ना, माँ से माँ का दर्शन आपने किया, बहुत बढ़िया से किए। क्या कुछ मांगा माँ से आपने? मांगने के लिए क्या है, सब माँ का दिया हुआ है और सब माँ से ही मिल रहा है। निश्चित सब आस्था है ये आसिया। आपको क्या लगता है, देखिए इसमें पर्यावरण को पूरी तरह से पूरा मेंटेन किया गया है, पर्यावरण जो विश्व पर्यावरण का हम लोग चिंतित है, पूरा विश्व चिंतित है उस पर, ये पर्यावरण को देखते हुए इको फ्रेंडली बनाया गया है। पंडाल में कहीं प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया, प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया है और सब मना रहे हैं कि दुर्गा पूजा हर साल के भांति इस साल भी बढ़िया सब बनाए और विश्व शांति हो। चलिए बात करते हैं कुछ और श्रद्धालु से, क्या लग रहा है आप दर्शन करके आ गई, कितना श्रद्धा और आस्था है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये साल में एक बार होता है और हमें बहुत खुशी होती है कि दशहरा में घूमने का। कुछ अच्छा लगा यहाँ पे आप? हाँ बहुत अच्छा लगा कि सारा डेकोरेशन बोरा से किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा, पर्यावरण प्रदूषित ना हो उसका पूरा प्रयास किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, पूरा प्रयास किया गया है। देखिए ऐसे निश्चित रूप से कहें तो हम, मैं अपने सहयोगी बंटी से थोड़ा और अंदर पंडाल के अंदर का जो ये गर्भगृह है उसका नजारा दिखाना चाहूंगा। वो दाहिने साइड में वो हावड़ा ब्रिज का आकृति बनाया गया है और ये बाएं साइड में ट्रेन को बनाया गया है, पूरी तरह से जूट से ही ये तैयार है और पूरी तरह से जूट से, कहीं प्लास्टिक का कोई उपयोग नहीं और लोग आके यहाँ की जो बारीकियां हैं उसको देख रहे हैं और बहुत खूबसूरत समझ रहे हैं पूरी तरह से होने के साथ साथ। अरुण, और इस बार तमाम जो पंडाल आयोजक हैं, पूजा समिति है, इस बात का ख्याल उन्होंने रखा है कि प्लास्टिक और थर्माकोल का इस्तेमाल ना हो, इको फ्रेंडली पंडाल बने और लगभग सभी जगहों से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है और ये काफी आकर्षक भी दिख रहा है। शुक्रिया अरुण इस प्यारी सी तस्वीर को दिखाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो धनबाद में देखा आपने किस तरह इको फ्रेंडली पंडाल बना है, रांची के भी अमूमन तमाम पंडाल इसी तरह इको फ्रेंडली बना